अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शबीर। आप देख रहे हैं शबीर टेक्निकल टीवी। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि फ्रिज का डोर स्विच कैसे चेंज होगा। ये इसका डोर स्विच लगा होता है, जब फ्रिज का डोर ये बंद होता है तो इसको प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से इसकी कनेक्शन मुनक़ता हो जाते हैं आपस में और इसका लाइट जो है ना बंद हो जाती है। जब हम इसको खोलते हैं तो ये इसकी ये नाब बाहर आ जाती है और इसके दोनों पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये लैंप जलने लगता है। इस मॉडल में इसका लैंप यहाँ ऊपर है, ये लगा होता है, ये चूड़ी वाले होते हैं। इसको आप इजीली अगर फ्यूज़ हो जाए तो खुद भी इसको ये चूड़ी इसकी घुमाएं और ये उतर जाता है। इसको ऐसे ही आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि फ्यूज़ है, यानी नॉर्मल बल्ब की तरह होता है ये। आमतौर पे इसका बल्ब ही ख़राब होता है, डोर स्विच इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये बल्ब चेंज होने से मसला हल ना हो, ये इसको दोबारा से चूड़ी लगा देते हैं हम। चूड़ी इसकी कुछ मॉडल पे यहाँ यहाँ पे भी इसके होते हैं बल्ब, कुछ मॉडल में यहाँ पे भी इसका सेटिंग होती है, पर कल तरीकाकार यही होता है इसका। तो ये डोर स्विच है, ये अगर ख़राब हो जाए तो आप इसको यहाँ से किसी बारीक पेज की मदद से आराम से जेंटली आप इसको हल्का सा ऐसे लगा के आप इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो ये दोस्तों ये इसके लॉक बने होते हैं। तो ये इसके यहाँ पे थिम्बल होते हैं, ये दो थिम्बल निकाल लें आप। ये डोर स्विच आपका, ये डोर स्विच आ जाता है, ये डोर स्विच होता है। इसमें मुख्तलिफ मॉडल होते हैं लेकिन फंक्शन इस तरह ही होता है, खोलने का तरीका भी यही होता है। ये इसके दो पॉइंट होते हैं, ये इसके दो थिम्बल लगे होते हैं। इसको आपने उतार के नया ला के, अगर ये ख़राब है तो नया ला के इसी तरह दोनों पॉइंट पे दोनों थिम्बल लगा के आप इसको दोबारा से ऐसे लगा सकते हैं। इसको आप दोबारा इस तरह लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।